नमस्ते कार और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश लग्जरी से के सामने जिसका नाम है बैंटली मुल्सान 1921 में लॉन्च हुई थी और ये 2017 का एटीनथ जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में आती थी और इस यूज्ड मुल्सान एक्सटेंडेड व्हील बेस की कीमत है सिक्स करोड़ फिफ्टी लाख रुपीज़ ट्वेंटी में डिसकन्टिन्यू कर दी थी बेंटली ने मुल्तान लिमॉन्स सर्किट के मुल्सान कॉर्नर से लिया गया है इस कार का नाम जहाँ बेंटले ने छः बार ट्वेंटी आवर रेस जीती थी यूके के क्रियू शहर में असेंबली होती थी मुल्सान की मुल्सान के शॉर्ट व्हील बेस और लिमिटेड एडिशन ग्रैंड लिमोजिन वेरिएंट्स भी आते थे ये एक्सटेंडेड व्हील बेस मॉडल मुल्सान रेंज का सबसे कंफर्टेबल और लग्जूरियस वेरिएंट था और ये अपने टाइम में दुनिया की सबसे लग्जूरियस लिमोजिन में से एक थी रियर व्हील ड्राइव है मुल्तान फ्रंट सेंसर्स से। हैं हाइलाइट्स हैं और ये क्रोम रेडिएटर शेल के साथ ब्राइट स्टेनलेस स्टील वर्टिकल वेंस मैट्रिक्स ग्रिल फ्रंट कैमरा ये फ्लाइंग बी रेडिएटर मैस्कॉट और ये हैं फुल एलईडी ई हेडलैम्प चार ऑटो अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम एलईडी हेलो मेन बीम डीआरएल वॉशर वाशर और लाइट सेंसिंग ऑटो ऑपरेशन के साथ एल्यूमिनियम बोनेट है रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, रियर कंपार्टमेंट के लिए सन रूफ है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर फोल्डिंग हीटेड रिवर्स डिप ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं दो मेमोरी फंक्शन और पडल लैंप्स के साथ क्रोम फिनिश 5.8 मीटर लेंथ है 1.5 मीटर हाइट है और लगभग 2800 केजी कर्व वेट है मुल्तान एक्सटेंडेड व्हील बेस का स्टैंडर्ड व्हील बेस की 5.5 मीटर लेंथ थी और ये हैं 20 इंच के लाइट अलॉय व्हील 21 इंच के अलॉयस का भी ऑप्शन था आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे एलॉयस के बीच में भी बेंटले का लोगो है टन लॉप के टायर्स हैं ये मून बीम सिल्वर कलर के साथ टंगस्टन ग्रे कलर आप देख रहे हैं रेड येलो पिंक ब्लू वॉयलेट वाइट पर्पल ऑरेंज ब्लैक ग्रीन ब्राउन और ब्राउन्स को मिला के वन हंड्रेड सिक्स कलर्स के ऑप्शन आते थे इसने बेंटली आर्नेज को रिप्लेस किया था रोड पर फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है मोलसान को क्रोम हाईलाइट रियर सेंसर्स और ये फ्लाइंग बी स्टाइल एलईडी टेल लाइट बेंटली का लोगो स्टॉप लैंप, वाइड ओवल पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट टेल पाइप्स। फेमस कार डिजाइनर डर्क वैन ब्रैकल ने डिजाइन की है मुल्सान जिन्होंने 2004 कॉन्टिनेंटल जीटी ब्रोकलैंड्स, 1996 ऑडी ए3, 2001 नाइनटी सिक्स आउडी ए थ्री टू थाउजेंड वन स्कोडा सुपर्व और टू थाउजेंड फोर ऑक्टेविया भी डिजाइन की थी और यहां से बरेंगे पेट्रोल इंफॉर्मेशन ज्वेल फ्यूल फिलर कैप है स्पेस स्पीड और लग्जरी का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है मुल्सान आगे डबल विशवन सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे टोर ब्रेक रिएक्शन कंट्रोल के साथ मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलेंगे रियर सस्पेंशन को एक्सट्रीम टॉर्क को हैंडल करने के लिए डेवलप किया गया है स्टील मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर है आगे पीछे एनर्जी एब्जॉर्बिंग क्रम्पल जोन्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल एयर स्प्रिंग्स हैं कंटिन्यूस डैम्पिंग कंट्रोल और ऑटोमेटिक राइड हाइट कंट्रोल के साथ ड्राइव डायनामिक्स कंट्रोल के अंदर चार ड्राइव मोड्स मिलेंगे बेंटली कंफर्ट स्पोर्ट और कस्टम सेफ्टी के अंदर सिक्स एयरबैग्स ए बी एस ए बी डी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट ऑटोमेटिक हिल होल्ड कंट्रोल कीलेस एंट्री आगे पीछे पार्क डिस्टेंस कंट्रोल रियर व्यू कैमरा ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एकॉस्टिक ग्लेजिंग आई एस ओफ एक्स चाइल सीट माउंटिंग वाइकली इमोबिलाइजर इंटीरियर वॉल्यूमेट्रिक अलार्म सिस्टम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कॉर्नर साइड व्यू कैमरा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और थ्री पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगी प्री टेंशनल और फोर्स लिमिटर्स के साथ रियर कैमरा और वन टच से ही ओपन हो जाएगा बूट स्टेनलेस स्टील बूट्स काफ प्लेट है फोर फोर्टी थ्री लीटर की बूट स्पेस मिलेगी दो लाइट्स दी गई हैं वार्निंग ट्रैंगल है लेदर ट्रिम्ड बूट है दो सिटी अम्ब्रेलाज हैं लाइट दी गई है और ये स्पेयर व्हील टूल किट फर्स्ट एड किट और ये ट्रेल वोल्ट का पावर, वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं नाइम फॉर बेंटली प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है वॉलट वोड वीनर है क्रोम फिनिश बेंटली का लोगो कार लॉक एंड लॉक करने का बटन थोड़ी स्पेस वन टच ऑपरेशन एंटी ट्रैप प्रोटेक्शन पावर विंडोज हैं और यह है क्रोम फिनिश में बेंटले का एस्ट्रे कैन दो मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं ब्लाइंड्स का बटन है एम के स्पीकर्स और ये बेंटली के हेडफोन्स हैंडक्राफ्टेड बाय बेंटली मोटर्स मुल्तान की स्कफ प्लेट हेडफोन्स को आप इंफोटेनमेंट से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और ये है मैग्नोलिया बीज लेदर अपॉल्सरी एयरलाइन स्टाइल रिक्लाइनिंग सीट्स हैं फुल लेंथ कंसोल और इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयड फुट के साथ आगे पीछे सीट्स में वेंटिलेशन और मसाज फंक्शंस मिलेंगे सुपर सॉफ्ट एलकेंटारा हेड्रेस क्वेश्चन एमबीएंट इंटीरियर मूड लाइटिंग है बेंटले के लोगों की एम्ब्रॉयडरी सीट के पीछे पॉकेट्स हैं स्क्रीनस हैं रियर कंपार्टमेंट के लिए टेंटेड ग्लास सनरूफ है लाइट दी गई है कंफर्टेबल कारपेट्स हैं और ये है रेफ्रिजरेटेड बॉटल कूलर बीस पो क्रिस्टल टम्बलर्स के साथ बैंटली का लोगो टच से ही क्लोज जाएगा और ये रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोलर एलकेंटारा इलेक्ट्रिक प्राइवेसी कर्टेंस हैं वन शॉट ऑपरेशन और एंटी ट्रैप फंक्शन के साथ और इन टचपैड से आप रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं बेंटली थिएटर रियर सीट एंटरटेनमेंट है दो टेन पॉइंट फोर इंच इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयबल टैबलेट्स के साथ डेस्कटॉप रेडियो मीडिया साउंड सेटिंग्स टच स्क्रीन टैबलेट्स हैं रेडियो साउंड सेटिंग्स कार सेटिंग्स डेट टाइम या एप्स गूगल क्रोम ड्राइव यहाँ दो फोल्डिंग पिकनिक टेबल्स हैं इन बटन से आप स्क्रीन्स को क्लोज कर सकते हैं और ये एसी कंट्रोल्स सीट वेंटिलेशन के बटन्स यहाँ साइड में भी ग्लासेस दिए गए हैं और ये सीट के कंट्रोल्स हैं फुली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रियर सीट्स हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कैसे भी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ थोड़ी स्पेस चार्जिंग पोर्ट्स हैं एसी वेंट और यहाँ लाइटर है और ऐसा इतना है डैशबोर्ड सर्वर स्पीड सेंसेटिव पावर स्टेयरिंग है फोल्डेबल टेबल्स पॉकेट दी गई है लाइट के कंट्रोल्स सनरूफ के कंट्रोल्स ंडल बार रीडिंग लाइट एक्सट्रीमली लग्जरियस रियर कंपार्टमेंट है पिलर्स पे एसी वेंट है सॉफ्ट क्लोज फंक्शन है आइए ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं यहां पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है ऊपर वुड विनर है लेदर फिनिश है डोर पे बेंटली का लोगो थोड़ी स्पेस पावर विंडो के कंट्रोल्स ओ के कंट्रोल्स दो मेमोरी सीट के फंक्शंस बूट खोलने का बटन मुलसान की स्कफ प्लेट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं और ये टायर प्रेशर इनफॉरमेशन, फोर्टीन वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं लंबर सपोर्ट और मेमोरी के साथ वेंटिलेटेड सीट्स हैं मसाज फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग है दो मेमोरी पोजीशंस के साथ कंफर्टेबल कारपेट्स पेडल्स लाइट के कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक स्टेरिंग एडजस्टमेंट ट्रेडिशनल पॉलिश स्टेनलेस स्टील बुल्स आई ए सी वेंट्स आमरेस के अंदर काफी स्पेस है ये लाइटर ग्लास होल्डर है ये ड्राई मोड सिलेक्टर कस्टम स्पोर्ट बेंटली कंफर्ट इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड का बटन और ये है जेड एफ का एट एच पी एट स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ग्लास इफेक्ट स्विच गियर है ब्लाइंड का बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पार्क डिस्टेंस कंट्रोल का बटन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और यह है सेंट्रल मल्टी इंटरफेस एम रोटरी कंट्रोलर फोर जोन ए है, और यहां थोड़ी स्पेस एच पोर्ट है और ये फ्यूल लेवल एनालॉग क्लॉक कूलेंट टेम्परेचर गेजेस और ये है एट इंच का इंफोटेनमेंट सपोर्ट करेगा स्मार्ट रिमोट ऐप सैटेलाइट नेविगेशन गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू फोर टेलीफोन सिस्टम ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट माय बेंटले ऐप एप्पल कारप्ले सिक्सटी हार्ड ड्राइव डी दो एस कार्ड सिम कार्ड यू वॉइस कंट्रोल एफ और रेडियो ये वहीकल सेटिंग्स लाइटिंग विजिबिलिटी सेंटर लॉकिंग साउंड सेटिंग्स नेविगेशन रेडियो और ये डैशबोर्ड की फिनिश, विनर सीट वेंटिलेशन के भी बटन्स हैं और ये ग्लोबॉक्स बॉक्स लाइट सिक्स डिस्क डीवीडी चेंजर और एसडी कार्ड पोर्ट के साथ और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ इलेक्ट्रोक्रोमेटिक ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स सनरूफ के कंट्रोल ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये है फोर स्पोक हाई ट्रिम्ड मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल पैडल शिफ्टर वाइपर के कंट्रोल्स ये लाइट के कंट्रोल्स एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एविएशन स्टाइल डायल्स के साथ जो दिखाएगा नेविगेशन कंपास मीडिया वहीकल इंफॉर्मेशन ट्रिप इंफॉर्मेशन स्पीड आरपीएम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आउटसाइड टेम्परेचर और कई इंफॉर्मेशन नेविगेशन फोन मीडिया स्पीड एवरेज रेंज पैसेंजर साइड से ओपन होगा बोनेट तो ये है सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी सी सी वी एट ट्वेंटर्बोचार्ज रोस रॉयस बैटले एल सीरीज पेट्रोल इंजन कैम फेसिंग और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के साथ फ़ाइव हंड्रेड सिक्स हॉर्स पावर है वन थाउजेंड ट्वेंटी एन एम टॉर्क है जीरो से हंड्रेड की स्पीड पकड़ी फाइव पॉइंट फाइव सेकेंड्स में टू नाइन्टी सिक्स किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और सिक्स का एवरेज मिलेगा नाइन्टी सिक्स लीटर के फ्यूल टैंक से बैंटली का लोगो वन थाउजेंड ट्वेंटी एन एम टॉर्क है वी एट एंजन बैंटले का तो कैसी लगी आपको बेंटली मुल्तान हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू